खबर की। अररिया में पुल ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य अभियंता पूर्णिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और 7 दिन के अंदर ही जांच कमेटी ये जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस मामले पर की जानी है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल ही बकरा नदी पर बना पुल गिर गया था और इसी वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बिहार में एक बार फिर उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो गया। इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हुआ है और इससे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरकर ध्वस्त हो गया था। गंगा नदी पर बन रहा पुल एक बार नहीं बल्कि दो बार बनने से पहले ही गिर चुका है। बिहार में नदी पर बन रहा एक और पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को भरभरा कर गिर गया। बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करीब 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल धड़ाम हो गया। पुल का निर्माण सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। पुल के 3 पिलर नदी में जैसे ही धसे वैसे ही पुल का बड़ा हिस्सा नदी में विलीन हो गया। जिले के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ये पुल तैयार किया गया था। जमीन पर ही पिलर गाड़ कर तैयार किया गया था। अप्रोच रोड भी नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाली करीब 100 मीटर का ये पुल था, पर उद्घाटन से पहले ही ये भरभरा कर ध्वस्त हो गया। बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। अब अररिया के सिकटी में गिरे पुल के बाद एक बार फिर सरकार के पुल निर्माण से जुड़े कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं मोतिहारी में लाल बेगिया पुल का अप्रोच रोड धंस गया, जिसके कारण आवाजाही काफी प्रभावित हो गई है। भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ है। आप बता दें कि मोतिहारी का ये लाल बेगिया पुल है, जिसका अप्रोच रोड धंस गया है। इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। जितने भी भारी गाड़ियां हैं उसके प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सीएम ने सोमवार को एक साल में 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी का ऐलान किया और उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए, जिसके बाद अब रोजगार दिए जाने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर मिशन मोड में काम भी शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने 13,267 पदों पर 4 महीने के अंदर बहाली को लेकर निर्देश दिए हैं। 2,724 आयुष चिकित्सक और करीब 4,500 सीएचओ, 757 मेडिकल ऑफिसर, 220 ऑप्थोमेलिक असिस्टेंट, 2,500 स्टाफ नर्स, 1,229 एएनएम, 982 लैब टेक्नीशियन, 38 लॉजिस्टिक मैनेजर, 97 अस्पताल प्रबंधक, 38 ब्लॉक अकाउंटेंट, 54 प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, 128 प्रखंड अनुश्रवण सहायक की बहाली होनी है। सहरसा बेतिया छपरा में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एम्स और जीएमसी पूर्णिया में थैलेसीमिया डे केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा।
इन दिनों बिहार में रोजगार के बयार की बात हो रही है। लाखों नौकरियां देने की घोषणा नीतीश सरकार कर रही है, तो सोमवार को सीएम के निर्देश पर लाखों नौकरी दिए जाने का ऐलान किया गया। तो अब विपक्ष नौकरी पर क्रेडिट लेकर सरकार पर दबाव की राजनीति बना रहा है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार को सात निश्चय पार्ट टू के तहत दिए जाने की घोषणा के बाद पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ना सिर्फ रोजगार को लेकर सरकार का पक्ष रखा बल्कि विरोधियों पर क्रेडिट लेने को लेकर जोरदार पलटवार भी किया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और टूटने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नौकरी और रोजगार ही बना है। अब जब तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो बिहार सरकार भी सात निश्चय पार्ट टू के तहत नौकरी का पिटारा खोल रही है। सोमवार को सीएम के निर्देश पर सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया तो अगले ही दिन मंगलवार को जेडीयू के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकार अपने वादे से डेढ़ गुना ज्यादा नौकरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं, सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। नौकरी पर सरकार का दावा यह है कि 10 लाख का वादा था, अब 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5 लाख 16,830 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,896 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। 2,11,000 रिक्तियों की सूचना आयोगों को भेजी जा चुकी है, जबकि 3 लाख रिक्तियां अगले साल तक भेज दी जाएंगी। मतलब सरकार ये साफ तौर पर कहना चाह रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार वादे से डेढ़ गुना ज्यादा नौकरी देकर रहेगी। मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि नौकरी पर श्रेय लेने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार महागठबंधन की सरकार से पहले भी नौकरी दे रही थी और गठबंधन के जाने के बाद भी नौकरी दी जा रही है। यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं। सरकार के दावों पर विपक्ष पलटवार कर रहा है और क्रेडिट लेने की बात कह रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है।